हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज का ये वीडियो मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है क्योंकि यहां पर हम बात करेंगे 12th पास वालों के लिए 2024 में आने वाली 15 सबसे बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के बारे में। हमेशा से काफी सारे लोगों की डिमांड्स आती रही है कि भैया 12th पास वालों के लिए भी कुछ बढ़िया गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताइए। देखिए दोस्तों, ये साल सभी 12वीं पास कैंडिडेट्स के लिए काफी ब्राइट रहेगा, काफी सारी अपॉर्चुनिटीज स्पेशली 12th पास वालों के लिए इस बार 2024 में आने वाली है। तो दोस्तों, क्वालिफिकेशन तो आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ए टू जेड सभी वैकेंसीज के लिए 12th पास कैंडिडेट्स इजिली फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, आप एलिजिबल हैं। तो आगे इस वीडियो में वन बाय वन एक एक गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में आपको शॉर्ट डिटेल देता चलूंगा कि भाई किस पर्टिकुलर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर किस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आती है, उस पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताऊंगा, यानी कि एज लिमिट क्या रखी जाती है, साथ ही उस पोस्ट के ऊपर मिलने वाली इनिशियल इनहैंड सैलरी के बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई किस डिपार्टमेंट के अंदर किस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आखिर कब तक आ रही है, यह सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी सेकंड मिस मत करिएगा, आखिर तक पूरे ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले एक चीज आपको बता दूं, इन सभी वैकेंसीज के लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि सभी के सभी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं और इन सभी पोस्ट के लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। मोस्टली पोस्ट हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 15 से, जो कि है हमारी NBE जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024 वाली। NBE मतलब नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का काफी बड़ा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर हर साल जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी निकल के आती है। हालांकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी लिमिटेड होती है, लेकिन सिलेक्शन के काफी बेहतरीन चांसेस होती हैं। जैसे कि आपको पहले ही बता चुका हूं, 12th पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। जनरल वालों के लिए एज लिमिट 18 से 27 साल रखी जाती है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद सैलरी बहुत ही बेहतरीन मिलती है। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इनहैंड सैलरी 42,000 के आसपास आपको मिलती है, जबकि ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है, लेकिन डिपार्टमेंट बहुत ही बेहतरीन है। देखिए दोस्तों, इस बार भी ये वैकेंसी आपको अक्टूबर मंथ के आसपास देखने को मिलेगी। हर साल वैकेंसीज जरूर निकलती है, चैनल के ऊपर आपको पिछले साल की वीडियो मिल जाएंगी, सर्च करके देख लीजिएगा। जैसे कोई भी छोटा मोटा अपडेट आता है इस रिक्रूटमेंट के लिए, मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करूंगा इसी चैनल के ऊपर। तो 12th पास वालों के लिए काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, सीक्रेट गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी बोलता हूं मैं तो इसे। बात करते हैं नंबर 14 के बारे में, जो कि निकल के आएगी DDA LDC या फिर जूनियर सेक्रेट असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस डिपार्टमेंट के अंदर हर साल 12th पास वालों के लिए, 10th पास वालों के लिए, ग्रेजुएट पास वालों के लिए वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा जूनियर सेक्रेट असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर काफी बेहतरीन वैकेंसी निकली थी और काफी जबरदस्त क्रेज चला था इस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज का। 12th पास वाले एलिजिबल होते वही 18 से 27 साल जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट रखी जाती है। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहैंड सैलरी 38,000 के आसपास आपकी रहती है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हर साल ये वैकेंसीज अगस्त महीने के आसपास निकल के गारंटेडली आ जाती है। तो दोस्तों, वेट करिए, इंफॉर्मेशन आती है आपको तुरंत अपडेट दूंगा। बात करते हैं नंबर 13 के बारे में, और इसके बारे में कौन नहीं जानता होगा, इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल रिक्रूटमेंट में से एक बनी हुई है। 12th पास वाले कैंडिडेट्स तो 6 साल से इस रिक्रूटमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं रेलवे NTPC रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। देखिए दोस्तों, रेलवे की तरफ से नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आने वाली है, जिसमें से हमारी एक जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, अकाउंट क्लर्क की पोस्ट है, जूनियर टाइम कीपर की पोस्ट है, ट्रेन क्लर्क की पोस्ट है, साथ ही कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट है। ये सभी क्लरिकल पोस्ट है और खास बात यह कि सभी की सभी पोस्ट के लिए 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। NTPC के अंडर दो रिक्रूटमेंट निकलते हैं, एक अंडर ग्रेजुएट्स के लिए यानी कि 12th पास वालों के लिए, एक ग्रेजुएट वालों के लिए वैकेंसी निकलती है। तो आपको तो 12वीं पास वाली पोस्ट के ऊपर ध्यान देना है। ये सभी हमारी लेवल 2 और लेवल 3 की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज होती है। एज लिमिट में इस बार आपको जबरदस्त रिडक्शन देखने को मिलेगा। वैसे तो जनरल वालों के लिए एज लिमिट 18 से 30 साल होती है, लेकिन इस बार 3 साल का एज में रिलैक्सेशन है, तो एज लिमिट जनरल वालों के लिए 18 से 33 साल यहां पर हो जाती है। और दोस्तों, फॉर्म आपको अच्छे से पता है कब आ रहे, जुलाई महीने के अंदर ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, ये फिक्स है। रेलवे ने एग्जाम कैलेंडर जारी कर रखा है, कल भी मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी थी इस वैकेंसी के बारे में, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलने वाली है। सैलरी आपको यहां पर 36,000 मिलती है कुछ पोस्ट के ऊपर, और कुछ पोस्ट के ऊपर आपको 38,000 से 40,000 के आसपास इनिशियल इनहैंड सैलरी मिलती है जस्ट आफ्टर सिलेक्शन। तो बढ़िया रिक्रूटमेंट है, नेक्स्ट लेवल की तैयारी में अभी से लग जाइए, वेट मत करिए। बात करते हैं नंबर 12 के बारे में,
जो कि निकल के आएगी D++B जेल वार्डर रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। D++B मतलब दिल्ली सबोर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसके थ्रू जेल वार्डर एंड जेल वार्डन की पोस्टों पर वैकेंसीज निकल के आने वाली है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल है, 18 से 27 साल, जनरल वालों के लिए एज लिमिट रखी जाती है। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहैंड सैलरी आपकी 35 से 36 हजार होती है। फॉर्म आपके अगस्त महीने के अंदर आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि D++B की जितनी भी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज पेंडिंग थी ऑलमोस्ट सभी को फटाफट D++B कंडक्ट करा रहा है। तो जैसे ही कोई भी अपडेट आता है तुरंत आपको इन्फॉर्म करूंगा। और D++B के पिछले साल के एग्जाम कैलेंडर में इस वैकेंसी का जिक्र किया गया है। फाइनली बात करते हैं नंबर 11 के बारे में, जो कि है EMRS जूनियर सेक्रेट असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024 वाली। EMRS मतलब एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर जूनियर सेक्रेट असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज अनाउंस हो रखी है। और केवल 2024 के अंदर ही नहीं बल्कि आने वाले 3 सालों के अंदर हर साल बराबर इस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलेगी। लास्ट 2 वीडियो में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है सारी की सारी। यहां पर एज लिमिट जनरल के लिए मैक्सिमम 30 साल रखी जाती है, तो बाकी वैकेंसीज के कंपैरिजन में 3 साल का एज में आपको एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल जाता है इस डिपार्टमेंट के अंदर। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर सैलरी आपकी 37 से 38 हजार रहती है। 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। और साथ ही दोस्तों ये वैकेंसी आपकी साल में कभी भी आ सकती है। प्रीवियस ईयर वाली वैकेंसी का टाइपिंग टेस्ट होना बाकी है, फाइनल रिजल्ट जारी होते ही इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। जैसे ही वैकेंसी आती है आपको तुरंत इन्फॉर्म करूंगा। बात करते हैं नंबर 10 के बारे में, और ये वैकेंसी फिलहाल निकली हुई है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं NVS जूनियर सेक्रेट असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। NVS मतलब नवोदय विद्यालय समिति, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर जूनियर सेक्रेट असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर 381 वैकेंसीज निकली हुई है। एज लिमिट 18 से 27 साल मांगी गई है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए काफी बेहतरीन वैकेंसी है। देखिए दोस्तों, 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है, जैसे कि शुरुआत से आपको बताते आ ही रहा हूं। खास बात यह कि वैकेंसी फिलहाल निकली हुई है, 22 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हो रखे हैं, फॉर्म की लास्ट डेट 30 अप्रैल है। सिलेक्शन प्रोसीजर ठीक ठाक स्पीड से चलेगा, फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। सिलेक्शन होने के बाद सैलरी भी आपको 36,000 के आसपास मिलती है। बात करते हैं नंबर 9 के बारे में, एक साल में 2 बार निकल के आती है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। एक बार वैकेंसी निकल चुकी है जनवरी फरवरी के अंदर, अब यह वैकेंसी आपको जून मंथ के अंदर देखने को मिलेगी। 12th पास कैंडिडेट्स यहां पर एलिजिबल होते हैं। एक आपका टेक्निकल ट्रेड होता है, एक नॉन टेक्निकल ट्रेड होता है। एज लिमिट 27 से 21 साल आपकी होती है। आप इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर के नाम से इस रिक्रूटमेंट को जानते होंगे। सिलेक्शन होने के बाद पर मंथ सैलरी आपकी अराउंड 30,000 के आसपास होती है, जैसे कि आपको अच्छे से पता ही है। तो दोस्तों वैकेंसी आपकी आने वाली है जस्ट आफ्टर 12th। इससे बढ़िया रिक्रूटमेंट डिफेंस के अंदर आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकती। तो फॉर्म आपके जून जुलाई में आ रहे हैं। बात करते हैं नंबर 8 के बारे में, जो कि हाल ही में कुछ ही दिन पहले अनाउंस की गई। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट DJB जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। DJB नहीं समझे, इसका मतलब है दिल्ली जल बोर्ड डिपार्टमेंट के अंदर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 646 वैकेंसीज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएंगी। देखिए दोस्तों, एज लिमिट वही आपकी 18 से 27 साल है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। हाल ही में वैकेंसीज को ऑफिशियली अनाउंस किया गया है, एक ऑफिशियल ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही जारी किया गया था। फुल डिटेल वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है, पूरा डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर एग्जाम पैटर्न सिलेबस सारी जानकारी A to Z इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सिलेक्शन होने के बाद सैलरी आपकी इसमें 36 से 37,000 रहेगी, और वही 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। जैसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन निकल के आती है कि भाई वैकेंसी कब आएगी, आने को कभी आ सकती है, कल आ जाए, 1 महीने बाद आ जाए, 2 महीने बाद आ जाए, 3 महीने बाद, लेकिन वैकेंसीज गारंटेडली 2024 के अंदर आएंगी। नोटिस में आपने देख लिया होगा क्या लिखा था। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 7 के बारे में, जो कि निकल के आ चुकी है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं SSC CHSL रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। हर साल SSC के थ्रू CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के अंदर कुछ क्लरिकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है, जैसे कि जूनियर सेक्रेट असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसको पहले LDC लोअर डिविजन क्लर्क के नाम से आप जानते थे। साथ ही डेटा एंट्री ऑपरेटर की भी 2 अलग अलग पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आई हुई है। और इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3,712 है, जो कि प्रीवियस ईयर के कंपेरिजन में काफी बेहतरीन वैकेंसी है। तो 12वीं पास वालों, ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। चैनल के ऊपर कई सारी वीडियोस आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। 18 से 27 साल वही आपकी एज लिमिट होती है। एग्जाम आपका ऑफिशियली कंडक्ट कराया जाएगा 1 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक, वेरियस शिफ्ट में एग्जाम होगा। फॉर्म फिलहाल अप्लाई किए जा रहे, फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 7 मई 2024 है, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। सिलेक्शन होने के बाद सैलरी 38 से 39 हजार हो चुकी है इस पोस्ट के ऊपर।
बात करते हैं नंबर सिक्स के बारे में, और ये मच अवेटेड रिक्रूटमेंट है। एक साल से काफी सारे लोग इसका वेट कर रहे हैं, क्योंकि एक साल पहले डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था इस रिक्रूटमेंट का, किसी कारण की वजह से वैकेंसीज को पोस्टपोन कर दिया गया था। जी हां दोस्तों, मैं बात करूं CCRS LDC रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। CCRS मतलब सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। काफी बड़े लेवल का सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। इसके अंदर वेरियस ग्रुप सी बी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज अनाउंस हुई थी। डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, पिछले साल मई मंथ के अंदर जारी किया गया था। फॉर्म स्टार्ट होने ही वाले थे, लेकिन किसी कारण की वजह से वैकेंसीज को पोस्टपोन कर दिया गया, थोड़ा सा डिले कर दिया गया, और वैकेंसीज आपकी बहुत जल्द आने वाली है इन पोस्ट के ऊपर। एजमिट LDC की पोस्ट के ऊपर 18 से 27 साल रखी जाएगी। 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। सैलरी आपकी 38,000 के आसपास रहेगी, ठीक है। तो अब इंटरनली पता चल रहा है कि वैकेंसीज का प्रोसेस चल रहा है, जल्दी ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, क्योंकि वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन अगर निकला उसको पोस्टपोन किया गया तो जाहिर सी बात है उसको दोबारा से जारी जरूर किया जाएगा। तो वेट करिए, जैसे कोई अपडेट आता है इस वैकेंसी का मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। लास्ट ये वैकेंसी 2019 के अंदर निकली थी। बात करते हैं नंबर फिफ्थ के बारे में, ये भी फिलहाल निकली हुई है या फिर दो दिन बाद निकल जाएगी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट RPF कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अंदर कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 4,208 आ चुकी है। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 15 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होने हैं। फॉर्म की लास्ट डेट 14 मई 2024 यहां पर रखी गई है। इसी के साथ साथ सब इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी है, लेकिन वहां पर ग्रेजुएट पास कैंडिडेट एलिजिबल है। कांस्टेबल की पोस्ट के लिए सभी 12 पास कैंडिडेट्स या फिर सभी 10 पास कैंडिडेट इजीली फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट बहुत ही खास चीज है यहां पर, क्योंकि 18 से 28 साल एज लिमिट रखी गई है जनरल वालों के लिए, तो एज में 3 साल का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल रहा है, तो यह चीज अट्रैक्ट करने वाली है। 37,000 सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इनहैंड सैलरी आपकी रहेगी, तो भाई धुआंधार तैयारी में लग जाइए, सितंबर मंथ के अंदर एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जा सकता है। बात करते हैं नंबर फोर्थ के बारे में, जो कि निकल के आएगी ESIC स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। ESIC एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का काफी बड़ा डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आने वाली है। लास्ट ये वैकेंसी 2022 के अंदर आई थी। 18 से 27 साल एज लिमिट होती है, 45,000 इनिशियल इनहैंड सैलरी होती है जस्ट आफ्टर सिलेक्शन। वैकेंसी आपकी कभी भी आ सकती है, आने को अगले महीने आ जाए, आने को 2 महीने बाद आ जाए, आने को 2024 के लास्ट महीने में आ जाए, लेकिन ESIC के अंदर वैकेंसीज गारंटी ले आएंगी, क्योंकि MTS, SSO, UDC की पोस्ट के ऊपर ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी नोटिफिकेशन साल के आखिर में जारी हो गया था पिछली बार। बात करते हैं वैकेंसी नंबर थर्ड के बारे में, जो कि निकल के आ रही है, क्योंकि मैंने सोचा ESIC स्टेनोग्राफर की बात हो रही है तो एक और स्टेनोग्राफर की पोस्ट के बारे में आपको बता दूं। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं SSC स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में, जो कि हर साल जरूर निकलती है। इस बार ऑनलाइन फॉर्म 16 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट 14 अगस्त रखी जाएगी। एग्जाम आपका वही अक्टूबर नवंबर के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। 18 से 27 साल एज लिमिट होती है स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की पोस्ट के ऊपर, 18 से 30 साल एज लिमिट होती है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की पोस्ट के ऊपर। सैलरी ग्रेड डी की पोस्ट के ऊपर 42,000 के आसपास होती है, क्योंकि इस पोस्ट का ग्रेड पे ही 2400 रुपए है। वहीं पर ग्रेड सी की सैलरी 55,000 से 56,000 के आसपास होती है, वो थोड़ी हायर लेवल की पोस्ट होती है। तो भाई तैयारी में लग जाए, बढ़िया रिक्रूटमेंट है, मिस मत कर दीजिएगा। फाइनली बात करते हैं नंबर सेकंड के बारे में, और इस वैकेंसी की भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आती है मेरे पास। बहुत सारे लोग लगातार डिमांड्स करते रहते हैं, कमेंट्स करते हैं, मैसेजेस करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि भैया वैकेंसी अब कब देखने को मिलेगी। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बारे में, जो कि CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर निकलती है। जैसे कि CRPF के अंदर निकल गई, CISF, ITBP, SSB, BSF के अंदर निकलती है ना। पिछले साल आपको BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी देखने को मिली, CRPF की देखने को मिली, CISF की देखने को मिली, ठीक है। तो काफी सारे लोग पूछ रहे कि भैया कब वैकेंसी देखने को मिलेगी। 2024 के अंदर गारंटीडली आपको किसी न किसी CAPF के अंदर वैकेंसी देखने को मिलेगी, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और ASI। 99.9% चांसेस है कि आपको CISF, CRPF और ITBP के अंदर वैकेंसीज देखने को मिलेगी, ठीक है। आने को वैकेंसीज कभी भी आ सकती है, कल आ जाए, दो दिन बाद आ जाए, एक हफ्ते बाद आ जाए, दो महीने बाद, चार महीने बाद, लेकिन आएगी
होगी जरूर। एज लिमिट 18 से 25 साल यहां पर जनरल वालों के लिए होती है, और खास बात यह कि 12 पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं, चाहे आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हो या फिर एएसआई की पोस्ट क्यों ना हो। सिलेक्शन होने के बाद सैलरी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट के ऊपर अब आपकी 40,000 तक पहुंच चुकी है, और एएसआई की पोस्ट के ऊपर तो सैलरी आपकी यहां पर 52,000 के आसपास पहुंच चुकी है। देख रहे हो 12 पास वालों के लिए और 52,000 सैलरी, लेकिन पोस्ट भी तो एएसआई है, एक स्टार मिलता है आपको। फाइनली बात करते हैं फर्स्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में जो कि निकल के आ सकती है डीआरडीओ ए एंड ए रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है, जो कि क्लरिकल पोस्ट है। लास्ट ये वैकेंसी 2022 के लास्ट में निकली थी, ठीक है, उससे पहले ये वैकेंसी 2019 के लास्ट में निकली थी। तो भाई 2.5 साल के गैप में इस वैकेंसी को निकाला जाता है, ठीक है। तो अब ये वैकेंसी आपको 2024 के लास्ट में या फिर 25 के स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वार्टर में गारंटीडली देखने को मिल जाएगी, ठीक है। 18 से 27 साल एज लिमिट होती है, 12 पास कैंडिडेट्स एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, क्योंकि क्लरिकल पोस्ट है। सैलरी आपकी वही 38 से 40,000 के आसपास होती है। सैलरी आपकी काफी ज्यादा डिपार्टमेंट वाइज और लोकेशन वाइज वेरी करती है, तो जैसे कोई भी छोटे से छोटा अपडेट आता है वैकेंसी को लेकर तुरंत आपको इन्फॉर्म करूंगा। चैनल के ऊपर लगातार बनी रही है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको आने वाली 15 गवर्नमेंट जो वैकेंसीज के बारे में बताया जिनके लिए 12 पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। 2024 के अंदर आपको सभी वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी अलग अलग टाइमलाइन पर। जैसे ही किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तुरंत आपको इसी चैनल के ऊपर इन्फॉर्म करूंगा। तो अगर आपका ड्रीम है एक अच्छी हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब लेना, तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा आपको बढ़िया से बढ़िया अपडेट देता रहता हूं। एग्जाम्स को क्रैक करने की स्ट्रेटजी, एग्जाम ओरिएंटेड मैराथन क्लासेस, लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड कराता रहता हूं। और बाकी दोस्तों आपको बता दो, फिर से हमारी एसएससी मास्टर गाइड हैवी स्टॉक में अवेलेबल हो चुकी है। कुछ दिन के लिए आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी ना, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी आई, सिलेक्शन पोस्ट की वैकेंसी आई, सीपीओ की आई, इसलिए काफी सारे लोगों ने इसी को खरीद डाला। तो फिर से स्टॉक में आ चुकी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेजोन कार्ड से आप परचेज कर सकते हो। जबरदस्त मास्टर गाइड है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, दबा के प्यार दिखाइएगा कमेंट बॉक्स में भी। मिलते हैं यार अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। अगर कोई डिमांड हो, कोई सजेशन हो, एडवाइस हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा, वरना सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर तो आपको मिल ही जाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।